गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? सोच रहे हैं कि आप अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में आपके स्टडी का जो मेन पार्ट है कंटिन्यूटी, वो डिस्टर्ब हुआ होगा और आप अपने घर पर उस इंतजार एंड एनर्जी से स्टडी नहीं कर रहे होंगे। लर्निंग के लिए सबसे जो मेन पार्ट है वह है कि आप कितना कंटिन्यूस अपने स्टडी में हैं। तो यह कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इसके लिए तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। आज से पहला बात है, आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, यह क्लास आपको ज्वाइन करना है। आपका जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे, और जो होमवर्क हम प्रोवाइड करेंगे उसको आप सॉल्व करें। इस तरह से आप घर पर रहते हुए भी अब कम डिस्टरबेंस के साथ आपकी स्टडी आगे बढ़ते रहेगी। आज के क्लास में बहुत से पुराने स्टूडेंट के साथ साथ बहुत से नए स्टूडेंट हैं, उनको एक बात का ध्यान रखना है, जो आज तक आप लोग ज़्यादा लिख रहे थे क्लास में वह थोड़ा कम करना है। लिखना कम है, सुनना ज़्यादा है। सुन करके जो याद होगी बात वह लंबा टाइम तक याद रहेगा, और लिख करके जो बात याद रहेगी वह कम टाइम, थोड़ा दिन के बाद भूल जाएंगे। इसलिए लिखना नहीं है आज के क्लास में, आपको सुनना है और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप रफ कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, जो सॉल्यूशन जो आपके माइंड में आ रहा है वह सॉल्यूशन लिखेंगे, थ्योरी हम समझेंगे, आप नोट नहीं करेंगे। लास्ट में हम सबको एक PDF थ्योरी का नोट आपको हम भेज देंगे, आप जो है उसे फिर अपने नोट वाले कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्कूल एग्जाम के जस्ट बाद हम लोग बेसिक मैथ पर जोर दिया था और बहुत सा पार्ट हम लोग कंप्लीट किए। तो यह जो आज तक जो है आपको बेसिक मैथ रिवीजन कर लेना चाहिए था, प्लस लिमिट का जो फॉर्मूला है वह याद रहेगा रहना चाहिए, प्लस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको मैंने प्रोवाइड किया था वह भी आपको याद रखना है। जो इन तीनों पार्ट को याद नहीं कर पाए हैं, पूरा नहीं कर पाए हैं, वह फिर हमसे जो है पर्सनली टॉक करके वह स्टडी मटेरियल आप मुझसे मंगा लीजिए और फिर उसको कंप्लीट कीजिए जल्द से जल्द। आज हम शुरू करने वाले हैं 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन। रिलेशन जो है 11th में पढ़ना था, कुछ पार्ट हम लोग को 12th में पढ़ना है। रिलेशन IIT मेंस में है, एडवांस में नहीं है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। तो पहले हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे कवर। पहले पार्ट में जो है 11th में जो था उसको रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे 12th वाले पोर्शन। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं रिलेशन, पहले रिविजन करते हैं। यह चार टर्म है जो 11th में आपने सीखा है कि व्हाट इज रिलेशन, उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इनवर्स रिलेशन क्या है। तो इन चारों टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल से। कंसीडर एक एग्जांपल रखते हैं। देयर इज अ सेट ए एंड बी, व्हाट इज दिस, यह क्या है आपको सोचना है। तो आप देखेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के ईच एलिमेंट के साथ पेयर्ड हुआ है और इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप जानते होंगे, सेट थ्योरी में पढ़े हैं, ए कार्टेशियन बी। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, ए का कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स। बी में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स। तो ए कार्टेशियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो टोटल एलिमेंट 6 हो जाएगा। अब एक यहां पर एक सिचुएशन है R1, यह क्या है। तो आप देखेंगे R1 इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। R1 जो है ए कार्टेशियन बी का एक सबसेट है, इसी का नाम रिलेशन है। तो रिलेशन को डिफाइन करते हैं ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन। सिमिलरली R2 भी क्या है, ए कार्टेशियन बी का एक सबसेट है, तो यह भी एक सेकेंड रिलेशन हुआ। डोमेन, डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन का मतलब है यह कार्टेशियन प्रोडक्ट या सबसेट में R1 रिलेशन में आप इसमें एक एलिमेंट में 2 नंबर्स देख रहे हैं, फर्स्ट एंट्री इसको बोलेंगे, इसको सेकेंड एंट्री बोलेंगे।
तो फर्स्ट एंट्री का जो सेट होगा उसको बोलेंगे डोमेन, और सेकेंड एंट्री सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट होगा उसको बोलेंगे रेंज। तो डोमेन ऑफ आर वन क्या हो जाएगा 1 2 3, रेंज ऑफ आर वन क्या हो जाएगा, तो सेकेंड एंट्री को कलेक्ट करेंगे तो वह हो जाएगा सेट ए बी। इन सिमिलर वे डोमेन ऑफ आर टू क्या होगा, रेंज ऑफ आर टू क्या होगा, तो आर टू में फर्स्ट जो एंट्री है एलिमेंट का वह है 1 2, तो 1 2 डोमेन हो जाएगा। सेकेंड एंट्री जो ओनली ए है इसलिए सिंगलटन से ए उसका रेंज हो जाएगा। तो रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। किसी भी रिलेशन के फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट नंबर्स का जो सेट होगा उसको डोमेन बोलेंगे, सेकेंड एंट्रीज का जो सेट होगा उसको रेंज बोलेंगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन बहुत सिंपल है, जैसे आर वन ए टू बी है तो आर वन इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा बी टू ए, बी टू ए के लिए क्या करेंगे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को इंटरचेंज कर देना है। तो आर वन इनवर्स में जो एलिमेंट होंगे वह होंगे ए वन ए कोमा टू ए बी कोमा थ्री। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा आर वन इनवर्स का, तो बहुत सिंपल है, जो आर वन का डोमेन था वह रेंज हो जाएगा इनवर्स में, और जो रेंज था वह डोमेन हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं चारों टर्म आप समझ गए। तो फिर एक बार जो है इन सबको डिफाइन करते हैं, रिलेशन रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आर का मतलब है ए कार्टेशियन बी का सबसेट होना चाहिए। डोमेन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन, और सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट होगा उसको रेंज बोलेंगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि ए बी एलिमेंट यदि आर का है तो उसको इंटरचेंज करके बी ए एलिमेंट का सेट बना दीजिए तो वही हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। रिलेशन ऑन ए सेट, एक ही सेट पर रिलेशन का मतलब क्या होगा, तो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ मतलब ए कार्टेशियन ए का जो सबसेट होगा उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो रिलेशन इज ए सबसेट, सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं उसको रख देंगे 2 to the power में तो वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power एन ए इंटू एन बी। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है, 11th का है, थोड़ा तेजी से और बढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो सेट दिया हुआ है और यह रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है, इसमें से देखना है कौन वैलिड रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट सेट में 1 2 3 यह डोमेन का पार्ट है, रेंज का पार्ट है 4 5 6, इसी के आधार पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर 1 3 5 यह डोमेन, लेकिन डोमेन में सेट ए में 5 नहीं है तो यह रिलेशन नहीं हो सकता है। इन सिमिलर वे 1 2 3 3 1 2 3 है, तो यह जो है ए सेट का एलिमेंट जो है फर्स्ट एंट्री से एंट्री एक सेट एलिमेंट ए का सेट है। उसी तरह से बी में देखेंगे कि 5 6 4 4 5 6 बी के एलिमेंट से जो है सेकेंड एंट्री बन रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बी, बी एक रिलेशन। सी को चेक करेंगे तो आप देखेंगे 4 जो है पहला ही नंबर ए से बाहर है तो यह रिलेशन नहीं हो सकता। ए कार्टेशियन बी, डी को देखेंगे, आप लोग पढ़े हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए कार्टेशियन बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, तो ए कार्टेशियन बी भी सबसेट है अपने आप का, इसलिए यह भी एक रिलेशन हो जाएगा। तो इसका दो आंसर हो गया बी एंड डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है दो सेट में इस तरह से, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, तो एक्सप्रेस एक्स एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड डिटरमाइन इट्स डोमिनेंट रेंज। तो चलते हैं आंसर इसका लिखते हैं। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि वैसा दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब दो नंबर का एचसीएफ यदि वन है तो वह दोनों नंबर जो है रिलेटिवली प्राइम कहा जाए। तो देखते हैं इसमें R में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो पहला एलिमेंट 2 के साथ शुरू करते हैं, जो रिलेटिवली प्राइम होगा इस सेट में उसको पेयरिंग करेंगे,
तो 2, 3, 2 और 3 जो है रिलेटिवली प्राइम है, 2, 6 रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो 2, 6 नहीं आएगा, 2, 7 जो है नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, 2, 10 में कॉमन फैक्टर 1 भी है 2 भी है तो वह रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। फिर 3 के साथ 3, 7, 3, 10 यह रिलेटिवली प्राइम है, 4 के साथ 4, 3 एंड 4, 7 4, 6, 4, 10 नहीं हो पाएगा, 5 के साथ 5, 3 5, 7 और 5, 6 भी इसमें होगा, यह मिसिंग है टाइप करने में, एक जो है 5, 6 भी आएगा, 5, 3, 5, 6, 5, 10 नहीं आएगा, तो यह जो है रिलेशन जो है आ रहा है। अब इसमें डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट एंट्री को कलेक्ट करेंगे 2, 3, 4, 5 यह डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, रेंज क्या होगा सेकेंड एंट्री 3, 7 और 10, 6 इसको कलेक्ट कर लीजिए तो वह रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि x+2y=8 से एक्स वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वह रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो r एंड r इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है, नेचुरल नंबर रखना है। तो y से शुरू करते हैं, y का वैल्यू रखेंगे फिर x का वैल्यू निकालेंगे और एक ऐसा समय आएगा जब x का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, पता है नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है तो वही कंप्लीट हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 6 मिलेगा तो 6, 1 फिर y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा तो सेकेंड एलिमेंट 4, 2 y का वैल्यू 3 रखिए तो वह हो जाएगा 2, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो वह हम लोग कंसिडर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो r में यही 3 एलिमेंट्स होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे, तो जस्ट इस नंबर को चेंज कर देंगे वही इनवर्स हो जाएगा, तो आर इनवर्स हो जाएगा 1, 6, 2, 4, 3, 2। नेक्स्ट लेट ए एंड बी फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में कितने रिलेशन होंगे, अभी हम फॉर्मूला देखे थे 2^6 हो जाएगा 64 इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई ए माइनस बी इज एन इंटीजर, जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या निकलना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन का मतलब फर्स्ट एंट्री, रेंज का मतलब सेकेंड एंट्री। अब देखेंगे कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, तो एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए और एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी will satisfy this condition, इसका मतलब क्या हो जाएगा सभी इंटीजर ए हो जाएगा सभी इंटीजर बी हो जाएगा, तो डोमेन जो है जेड ही हो जाएगा, रेंज भी क्या हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर जेड हो जाएगा। नेक्स्ट लेट ए बी द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, इस तरह का एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखे थे इसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर कोरस्पॉन्डिंग टू आर, इसमें लेस देन ए का जो एलिमेंट है बी के एलिमेंट से लेस देन होना चाहिए, तीस तरह से हम पेयरिंग करेंगे वही आर का एलिमेंट होगा, तो देखते हैं 1 के साथ जो है कोई नंबर नहीं हो सकता है, 1 के साथ 1 नहीं होगा 1, 4 फिर 1 के साथ 5 होगा, 2 के साथ फिर 2, 4, 2, 5 3, 4, 3, 5 4 के साथ एक ही एलिमेंट आएगा 4, 5 इस 5 के साथ कोई नंबर इसे ग्रेटर इसमें नहीं है, यही कंप्लीट हो गया हमारा रिलेशन। नेक्स्ट एक रिलेशन है रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स एज x² + y² = 25, एक्स और वाई का वैल्यू इंटीग्रल रखना है जो इसको सेटिस्फाई कर, ये बहुत आसान है
हीट एंड टायर का वैल्यू रखेंगे, वाई का वैल्यू जीरो रखिए तो एक्स का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस फाइव, तो जीरो कॉमा फाइव जीरो कॉमा माइनस फाइव। फिर हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ फाइव रखेंगे यहाँ जीरो रखेंगे तो हो जाएगा फाइव कॉमा जीरो माइनस फाइव कॉमा जीरो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, अब पाइथागोरन गोरियन ट्रिपलेट आप जानते होंगे, थ्री फोर सेटिस्फाई करता है तो थ्री फोर भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस थ्री फोर भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस थ्री माइनस फोर भी सेटिस्फाई करेगा। और सबको हम लोग कलेक्ट करें तो आर का जो एलिमेंट होगा यह हो जाएगा। आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक रिलेशन दिया गया है ऑन सेट आर, आर का मतलब रियल नंबर, डिफाइंड एज वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो, ए और बी का वह वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे वह रिलेशन का एलिमेंट हो। इसमें हमको प्रूव करना है कि ए कॉमा ए मतलब बी भी यदि ए हो जाए तो वह बिलोंग्स टू आर वन। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बी के जगह पर इस इनइक्वालिटी में इस कंडीशन में ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग बी इक्वल्स टू ए व्हाट विल बी, तो वन प्लस ए स्क्वायर, और वन प्लस ए स्क्वायर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, या ट्रू है तो ट्रू होने के कारण ए कोमा ए सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए आर वन का एक मेंबर हो। नेक्स्ट है प्रूव करना है ए बी यदि आर वन का एलिमेंट है तो प्रूव करना है बी ए भी आर वन का एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी आर वन का एलिमेंट है तो इस इक्वेशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो। और आपको पता है ए बी हो चाहे बी ए हो यदि यह ट्रू है तो ऑर्डर भी चेंज करने पर ट्रू रहेगा, तो वन प्लस बी ए भी ग्रेटर देन जीरो, और वन प्लस बी ए में क्या हो गया बी फर्स्ट एंट्री ए सेकेंड एंट्री, तो बी कोमा ए भी आर वन का एलिमेंट हो गया। तो प्रूव हो गया कि ए भी यदि आर वन का एलिमेंट है तो बी ए भी आर वन का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट, इसमें चेक करना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स। तो ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, तो यहां पर ए कोमा ए स्क्वायर यदि आप सब्स्टिट्यूट करें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह गलत रिलेशन है, हर एक प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा, ए के दो ही वैल्यू के लिए ट्रू होगा जीरो कॉमा वन के लिए, तीसरी यह फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यह भी संभव नहीं है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यह गलत हो जाएगा, प्रत्येक नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर रख दे फोर और यहाँ पर रख दे टू स्क्वायर, ए का वैल्यू फोर बी का वैल्यू टू, रिवर्स करो बी के जगह पर रखो टू और यहाँ पर रखो फोर स्क्वायर, तो यह इक्वल नहीं होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, यह भी रॉन्ग है, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर, यह भी गलत होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया बी इक्वल टू सी स्क्वायर, और बी के जगह पर यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब सी टू दी पावर फोर हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए ए इक्वल टू सी स्क्वायर बिलोंग्स करने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सभी फॉल्स है। रिलेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, चूंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा है थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन इसको पढ़ना तो है, तेजी से हम लोग सब करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन में हम लोग आएंगे। एक रिलेशन है जो रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है और कंडीशन है एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई ए, तो हमको कुछ चेक करना है, प्रूव करना है एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन आर का एलिमेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वाई के जगह पर एक्स रख देंगे, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और जीरो इज डिविजिबल वाई एन, तो डिविजिबल वाई एन है तो एक्स कोमा एक्स क्या होगा बिलोंग करेगा। नेक्स्ट,
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो प्रूव करना है वाई कोमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यह भी सिंपल है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा कि एक्स माइनस वाई एन से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई एन। तो नेचुरली वाई माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई एन हो जाएगा। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, साइन चेंज करेगा, एक्स माइनस वाई यदि एन का मल्टीपल है तो वाई माइनस एक्स भी एन का मल्टीपल हो जाएगा, केवल साइन चेंज हो। तो यह भी ट्रू है। नेक्स्ट है थर्ड, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो प्रूव करना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यह दो जो है यह गिवन है, तो गिवन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स माइनस वाई यदि आर का एलिमेंट है तो डिविजिबल बाई एन होगा, डिविजिबल बाई एन। इन सिमिलर वे वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई माइनस जेड भी डिविजिबल बाई एन होगा। अब हमको दिखाना है कि एक्स जेड जो है आर का एलिमेंट है, तो एक्स जेड आर का एलिमेंट कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस दोनों इक्वेशन को एड कर दे, एडिंग, तो क्या आएगा, y के उसे x माइनस जेड आ जाएगा, तो x माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई n हो जाएगा। तो यह भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक्स जेड भी r का एलिमेंट होगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, या 11th में जो हम पढ़े थे उसी का रिवीजन किए हैं, और इसे आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन कितना आसान है। इसी का एक छोटा सा पार्ट जो है जो 12 में है, अब हम लोग देखेंगे। थैंक यू।